मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, कौनसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बायतेमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। मालेगांव कॉर्पोरेशन के ग्राउंड में बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी, कल भी मैं कुछ ठेकेदारों ने, बहुत सारे ठेकेदारों के कामकाज साल भर से पड़े हुए करके जमीन पे, और अच्छे काम जो क्वालिटी के, जिसकी थर्ड पार्टी भी हो चुकी है, लेकिन किसी का कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो राजकीय आदमी हूँ, मैं हर एक के बारे में बोल सकता, मेरा उसके अंदर कोई लाभ नहीं है या मेरा कोई उसके अंदर टकेवारी का मकसद नहीं है, मैं सभी के लिए बोल रहा। हाँ, ये अलग बात है, कल जब मैं बोला, आयुक्त तो साहब थे मौजूद और यहाँ के अकाउंटेंट भी थे, क्या बच्चा साहब भी थे, तो मेरा साहब स्पील वर्ग अभी एक साल ख़त्म हो गया, दो तीन दिन रह गए, लोगों का स्पील वर्ग का बजट दे करके लोगों के चेक वगैरह दे देना चाहिए आपको, और अभी क्योंकि खाली ईद का विषय नहीं रहता, दिवाली के ऊपर भी ऐसे मामला रहते, और मार्च एंड के अंदर कोई ईद वगैरह या दिवाली नहीं देखी जाती, तो मार्च एंड के अंदर सभी लोग हिंदू मुस्लिम ठेकेदार जिनका धंधा है, बिजनेस है, वो काम करे हुए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है मार्च की उनको एक आस रहती है कि मार्च एंड के अंदर वसूली ज़्यादा रहती है कॉरपोरेशन के पास या गवर्नमेंट के पास भी, तो उनका पैसा उनको मिलना चाहिए, उनका हक का है, कोई चोरी का नहीं है। हाँ, कुछ ठेकेदार ऐसे ज़रूर है, ये आयुक्त को भी मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, अकाउंटेंट को भी मालूम है, डेपोटी कमिश्नर इंजीनियर जो है उनको भी मालूम है, डेपोटी कमिश्नरों को भी मालूम है, ये डबल काम होते आए होते हैं, लेकिन इन्होंने कभी उसके ऊपर उंगली रखा नहीं और उसकी कोई चौकसी करा नहीं, ऐसे लोग को भी डबल बिल दिए गए मालेगांव कॉरपोरेशन में, है ना, और इतनी सफाई से वो बिल दिए जाते। तो आज स्पिल ओवरों के बारे में जो मेरे पास कई ठेकेदारों के नाम, किसी के नहीं लूँगा, कई ठेकेदारों के फोन आए कि अकाउंटेंट 10% मांग रहा है, अब मुझे समझ में आता आयुक्त तो साहब का कोई उसके ऊपर कंट्रोल है या नहीं। आयुक्त तो गोसावी साहब है या कॉरपोरेशन जो है ये यहाँ का अकाउंटेंट चला रहा है, और आज बेचारे इतनी परेशानी हालत में है, बहुत सारे ठेकेदार है ना, 5 लाख का काम करके रखे होंगे, 10 लाख का काम करके रखे होंगे, है ना, वो कायदे से लिए है ना, कुछ ठेकेदार ऐसे के खुद के नाम पे काम है, खुद इंजीनियर है ना, और उनके खुद रजिस्ट्रेशन है ना, ऐसे भी है, कोई किसी और के भाई धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो किसी और इंजीनियर के नाम पे भी करता है। तो कल जब मैं बोला आयुक्त साहब के सामने अकाउंटेंट को, तो बोले ठेकेदारों की एसोसिएशन है ना, संगठना है, ये तय हुआ कि 15-15 लाख ही रुपये देने का, फिर लोगों से 1.5 करोड़ का काम क्यों कराती है कॉरपोरेशन, है किसी ने 1 करोड़ का करके रखा, किसी ने 50 लाख का करा, है किसी का आधा बिल दिए गया, आधा स्पिलरों के अंदर आ गया, तो मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन जब मेरे को बाकी परेशान ठेकेदारों के फ़ोन आए, तो सब 10% अगर मांग रहे हैं बैठ के, तो 10% अगर ये लेगा स्पिलर तो का 18% GST जाएगी, 2% तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐसा 30% ये कर का 2%, तो ये 30% हो गया, तो खैर गवर्नमेंट का नियम है जो 18% तुम्हारा GST और ये जाएगा, तो 10% फिर बिल के ऊपर ये 10% मांगता, चेक देते थे, तो 20% तो ये हो गया, गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 20% हो जाता है, 40% हो गया बराबर, फिर 1% ये इंजीनियर, 1% वो इंजीनियर, 1% वो इंजीनियर, 1% वो इंजीनियर, इतने अधिकारी है, फिर 1% वो, तो 50% ठेकेदार क्या खाएगा, क्या पेट भरेगा अपने बच्चों का, क्या बच्चों को शिक्षण देगा, है अब इनको अगर परमानेंट नौकरी आए, इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर अगर पढ़ रहे हैं, और ठेकेदार क्या भूखा मरेगा क्या,
ये खुद का कसट का पैसा लगा के ठेकेदारी करते हैं है? और ये उनसे अगर गवर्नमेंट के अगर 20% के अच्छे और कोई ठेकेदार को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी जोर में यानी धक्केबारी चल रही तो इसके ऊपर ब्रेक कौन लगाएगा? मंत्री कुछ बोलता नहीं है, आमदार कुछ बोलते नहीं। अब प्रशासन की मंजूरी हो रही है, टेंडर निकल रहे, कुछ भी चल रहा, काला पीला क्या? अब पब्लिक बॉडी नहीं है तो कंट्रोल नहीं रह गया है। और आयुक्त तो मोदी यहाँ बैठते नहीं बेचारे, अल्लाह के बंदे आ जाते, 8 दिन गायब हो जाते, ना उनके बारे में कोई मंत्री साहब बोलते हैं उनको, ना आमदार साहब हाउस के अंदर बोलते। मैं रहता अगर आमदार तो जरूर हाउस में बोलता, और ये बोलना चाहिए, इनके ऊपर वचक रखना चाहिए। अब मंत्री के मानने वाले ठेकेदार है, ये बाकी बेचारे हिंदू मुस्लिम बाकी ठेकेदार जो किसका कोई बोलने वाला नहीं है, तो उनका तो चेक भी मिलता नहीं, उनका काम उनको काम भी मिलता नहीं। वो आते ऊपर से, ए याला देव ठाकरे काम, ए याला याचा बिल देव ठाकरे, वो एक वाणी है और एक पूरा एक ग्रुप है क्या उसका, क्या ऐसा लगता है कि एसोसिएशन उसकी जो है ये वही, ऐसा मेरे को लगता है कि 15 लाख रुपये खाली देना चाहिए, है ना, बाकी यही लेके जाएंगे, है ना। आज कम से कम पिछले टाइम मालेगांव कॉर्पोरेशन के हद के जितने शहर है और जितने मकान है, जो गरीब झोपड़पट्टी है उसका कोई विषय नहीं था। अगर मैंने घर तोड़ के बनाया, नया आरती से घर बनाया, तो सर्वे उसका हुआ है, आज तक उसको घर पट्टी लगी नहीं। आज अगर वो सर्वे हो जाता उसको घर पट्टी लग जाती, और दोनों भाग में इधर तो पूरा फ्लैटों का जाल बिछा हुआ है, मेरी मालूम बात तो उसके पीछे कोई और ठेक और बिल्डर कोई और है। और इसीलिए वो घर पट्टी लगाई नहीं जा रही, प्रेशर है, दबाव है। अगर वो हो जाता था तो आज ये जो ठेकेदार परेशान है उनको पेमेंट मिल जाता था, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता, गवर्नमेंट का कोई जिया रह गया कि पहले पगार हो जाएगी, पहले बाकी गवर्नमेंट का सब दिया जाएगा। ठेकेदार ने पेमेंट नहीं मांगना, अबे तुम ठेकेदार के कर्जदार है कॉर्पोरेशन, उसका पैसा लगाए तो क्यों नहीं मांगेगा? ऐसा बोर्ड लगाया जाता, टक्केवारी के लिए नहीं बोर्ड लगाते क्या? कोई भी पीछे से आएगा, टक्केवारी दिएगा, चेक लेगा, चला जाएगा। वो ठेकेदार बहुत सारे जो कुछ लोग चोर है, उसको चल जाएगा भैया 1 लाख रुपये 25,000 में कर लेगा, है ना, 50 बांट देगा, 25 लेके खुश रहेगा, कभी ये देखते भी नहीं आके काम। तो आज मजबूरी के अंदर मेरे को ये ठेकेदारों के फोन आए बहुत सारों के नाम, मैंने पहले ही बोला किसी के नहीं लूंगा, ये तो बहुत तरह देगा। जो तक कटप्पा जो बैठा है ना, वहाँ कटप्पा क्या है, वो अकाउंटेंट जो है कटप्पा है, और इस तरीके से बात करता है, चलो रजिस्ट्रेशन वाले ठेकेदार जी उत्तर रुको बाहर निकलो, चुटकी बजा के बोलता है। तो ये तो ऐसा मालक बन गया कॉर्पोरेशन का, दुनिया भर का इसके ऊपर केसेस थी, वो चौकसियां चल रही थी है? एक की चौकसी चल रही थी पहले, क्या समझे, दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी की, उसको नील कर दिया क्या किसी के फोन आने पे, बाकी क्या कुर्द क्या लेन देन क्या हो गया होगा उसको। अब इसकी चौकसी चल रही थी, उसके बाद भी परमोटेड हो गया, प्रमोशन हो गया, फिर सब काम चल रहा है। अगर राजकीय लोग के हाथ में ऐसे लोग का अगर परमोशन देने के रहता ना, हमने तो ठहराव करते, तो ठहराव के अंदर बाकायदा ये है, क्या मालूम है क्या, कि चौकसी जो चालू है उसका ध्यान करते हुए परमोशन देना, नहीं तो नहीं देना, रिकॉर्ड दूंगा उसका मैं। मेरी मिसेज माजी महापौर तायरा शेख के डैम जो ठहराव हुआ था, परमिशन देने को बाकायदा ठहराव लगता है, तो बाकायदा चौकसी जी की चालू है, तो इसके ऊपर आज भी चौकसी चालू है, दादागिरी कर रहा कॉर्पोरेशन में है? आज कई 5 साल पहले जो 11वीं विभाग का टेंडर निकलता था, तो उसके अंदर ऐसा लगता था लोगों के भ्रष्टाचार हो रहा है। अब टेंडर 5 साल से नहीं है, लेकिन 4-4 महीने गैरेज के अंदर एम्बुलेंस पड़ रही थी, कॉर्पोरेशन की कई गाड़ियां पड़ रही थी। अब
व्हील चार बढ़ जा रहा है। गली आयुक्त को बोला कि उसकी भी चौकसी करो, तो नया टेंडर निकाल। और ये उसके पीछे भी जो है वो सब कटप्पा खड़ा है। आज जो 11,000 कॉलोनी बनी और उधर की जो बाकी 4,500, अगर ये बस लेकर आते 20 लाख रुपए की बस आती है, कितने की? लोगों को रिक्शा से क्यों आने जाना पड़ता? वहां से स्कूल चालू कर देते, दवाखाना चालू कर देते। तो इस तरीके कामकाज आज कारपोरेशन में चल रहा है। मंत्री महोदय कुछ बोलते नहीं, उनकी दुनिया अपनी अपनी खुश होकर के चल रही है, क्या समझे। और इधर अंदर साहब कुछ बोलते नहीं। अभी वो जो पेपर पढ़ रहा था कितने दिन से चल रही न्यूज है ना, कहीं वो मुस्तकिम डिग्नेटी बोलता कि हमने कोशिश करे थे, हमने जैन पार्टी को लेटर दिए थे तो वो वगैरह डैम के 162 करोड़ की मंजूरी होगी। अरे भैया, माजी महापौर तायरा शेख के ने मंजूरी हो गया कारपोरेशन में, हमने मंजूर करके गवर्नमेंट को भेजा तो पैसे मिले। बुहारी गटर की भी जो पिछले टाइम भी जो 100 करोड़ रुपया है, उस टाइम जो है वो 2012 मतलब कारपोरेशन के 2012 में एक बुहारी गटर की मंजूरी हुई थी, जबकि हमारे तो सरकार और केंद्र सरकार को दिया गया था। आज तलवार डैम पहले बड़ा किया गया, जो उसकी सीमा बढ़ाई गई वो भी 2012 के अंदर मंजूर हुआ, और जो 100 एकड़ जमीन जो मिली वो माननीय माजी महसूल मंत्री हमारे बाड़ा साहब थोरात उनके डैम में मिले लिए। इन्होंने क्या लाया, 6 करोड़ मंत्री मोदी ने पिछली सरकार में, और उसके खाली बांध काम कर दिया, ठेका किसका था, वो भी चौकसी करना पड़ेंगे क्या। हाँ, तो ये सब काम तो सही मानो में जुट्टागिरी बहुत चढ़ी मालेगा, जुट्टीगिरी क्या। वो गडकरी जी आते जो घोषणा करते बेचारे पूरे हिंदुस्तान में रास्ते अच्छे बना रहे हो, जो है वो बोलना चाहिए, सही है ना। ये खासदार साहब ने खुद बताए थे क्या कि मैंने मंजूर कराया पूरे ब्रिज जो कराची जो भी अपना फ्लाईओवर है 162 करोड़ का, मुफ्ती साहब बोलते मैंने कराया, गडकरी जी को मैंने दिया लेटर। जब अंदर भी नहीं थे, जब मैं अंदर था तो दिल्ली जाते तो बोले हॉस्पिटल मैंने मंजूर कराया क्या, यूनाइटेड मैंने मंजूर करा लिया। तो क्या है यार, रमजान महीने में तो कम से कम ये दोनों तीनों झूठ नहीं बोलने को ना यार। रोजा रखते झूठ बोलते, मुंह खोलते झूठ बोलते क्या। यही बातें हाउस चल रहा था अभी पीछे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हाउस से बोलना चाहिए, वहां नहीं बोलते यार ये लोग। अजीब बात है सर, क्या चल रहा है, कैसे लीडरान है। अब कोई नहीं बोलता तो चलो भाई, अपन माजी है दोनों है ना, नगर अध्यक्ष भी माजी, महापौर भी माजी, आमदारी माजी, मतलब अपन ही बोलो सबके तरफ से, गाँव की तरफ से भी, इधर से भी। आज ये लोग बोली नहीं रहना क्या, खाली देखा जा रहा फावड़े से किधर से आ रहा। अरे कुछ तो पहले फावड़े चलता था, अब तो जीसीबी से खींचे जा रहा था इधर क्या। मंत्री मंत्री चौकसिया सही बात है, इनकी भी होना चाहिए। बहुत माला गया रहा, सालदार से मालदार हो गया बंदा है। और ये तो यहाँ का कटप्पा, ये बेचारे पैसे लगा के काम करते है, गाँव को सुधार संभालते, सब डेवलप करते है, ठहराव होने के बाद में टेंडर निकलने के बाद में उनको ऐसा समझते है तो सालदार है उसके क्या। तो बहरहाल अगर आयुक्त तो ने उसको हटाया नहीं, ब्रेक नहीं लगाया, तो उसकी जो पीछे की चौकसी चल रही थी वो मैं निकालूंगा और गवर्नमेंट में उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, नहीं तो तुम्हारे लोक आयुक्तों की तरफ कंप्लेन करूंगा। और इनको आज उन्होंने ईमानदार तरीके से इन्होंने जमीन पे काम किया है, चोर ठेकेदारों को ना देते हुए जिनके क्वालिटी के काम मंगे उनको 2 दिन के अंदर इन्होंने स्पिल ओवर बदल करके और बाकी का उनका बिल देना। AHC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर मालेगांव।